শিলচর এনএন দত্ত রোডের অ্যারিয়ান্ট অ্যাপার্টমেন্টে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হলো মন্দিরের এক পুরোহিতের। এই ঘটনা চাঞ্চল্য বিরাজ করছে এলাকায়। সোমবার শিলচর এনএন দত্ত রোডের অ্যাপার্টমেন্টে থাকা মন্দিরের পুরোহিত অজিত চৌবের মৃতদেহ অ্যাপার্টমেন্টের নিচ থেকে উদ্ধার হলো। ঘটনাস্থলে পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেট উপস্থিত হয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়ে দিয়েছেন। পুরোহিতের স্ত্রী রঞ্জনা চৌবে জানান, রবিবার রাতে খাওয়া দাওয়া শেষে তার বোনের স্বামীর সঙ্গে অন্য একটি কক্ষে ঘুমাতে যান। রাত আড়াইটা নাগাদ বোনের স্বামী দেমজিৎ পাণ্ডে তাদের ঘুম থেকে জাগিয়ে বলেন, অজিতবাবু বাইরে গিয়েছিলেন, এখনও ফিরে আসেননি। তার কথা শুনে সবাই ঘুম থেকে উঠে খোঁজাখুঁজি শুরু করে, তবে রাত পর্যন্ত তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। ভোর পাঁচটা নাগাদ পরিবারের লোকদের চোখে পড়ে অ্যাপার্টমেন্টের নিচে পড়ে রয়েছে অজিত চৌবের দেহ। সঙ্গে সঙ্গে সবাই নিচে এসে অজিতের দেহ শনাক্ত করে কান্নাকাটি শুরু করেন। খবর দেওয়া হয় পুলিশে, সদর পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে। ऐसे नहीं हुआ था भैया, रात को ऐसे खाना उना खा के हम लोग सोए, बोले नहीं आप लोग एयर रूम में सो जाओ, हम लोग अलग रूम में सोएंगे। वो उनका बहन का जमाई हस्बैंड दोनों एक ही बिस्तर में सोए थे। उनका नाम क्या है, बहन का हस्बैंड का नाम? उनका नाम है देवजीत पांडे। फिर तो एक ही साथ सोए। उसके बाद सोने के बाद दो ढाई बजे उठ के बाहर गए, तो बाहर जाने के बाद उसके बाद लेट हो गया, आधा घंटा हो गया, तो ये जाके हम लोग उठा रहे हैं, आप लोग उठो भैया बाहर गए, तो अभी तक आ ही नहीं रहे, पता नहीं क्या हुआ। तो 3:30 बजे हम लोग उठाए, तो हम लोग उठ के जाके देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं पूरा बिल्डिंग में, कहाँ है, ऐसे तो जाते नहीं, तो बाहर गए तो बाथरूम जाएंगे जाए, तो बाद में कोई नहीं, कुछ नहीं मिला। तो हम लोग बैठे ऐसे बैठ के बोल रहे हैं, क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहे हैं। तो 5:30 बजे में 15-20 मिनट बाकी था, तो वो लोग खिड़की से मतलब इधर उधर देख रहे थे, तो दिखाई दिए यहाँ पे गिरे हुए हैं। और गेट, मंदिर का गेट भी खुला था, हम लोग ताला लगा कर सोते हैं गेट का। किसने खोला? चाबी तो रूम में ही रखा रहता है, तो चाबी तो गेट टेबल में ही चाबी है, लेकिन गेट खुला है और खिड़की भी खुला था। आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है ऐसे वो कुछ करेंगे, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे वो थे ही नहीं, वो बहुत आपको किसी पे शक? ऐसे तो किसी पर नहीं लग रहा है, और उनसे पूछने से भी 2 दिन से परेशान थे, बोलने से भी नहीं बोलते थे जो कुछ है बोलकर, मतलब कोई असुविधा होगा डॉक्टर उधर दिखाएंगे शरीर में, ऐसे कुछ नहीं बोलते थे, कभी भी नहीं। किसी के साथ पैसे का कुछ लेते नहीं आप? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्या एक आदमी परेशान रहता है फिर? नहीं नहीं भैया, ये सुसाइड तो नहीं होगा, क्योंकि ऐसे वो कर ही नहीं सकते। किसी ने मारा होगा? अब तो यही तो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसे कुछ होता हम लोग कुछ बोलते तो ऐसे आइडिया लगा सकते। नहीं, आपने बोला है ऐसा तो कुछ नहीं होगा, आत्महत्या नहीं करेंगे, हाँ तो मामला क्या है बोलिए ना, क्योंकि वो नहीं करो ऐसे तो नहीं करेंगे कभी। 3:30 बजे कैसे पता लगा कि वो घर में नहीं है? मतलब हम लोग तो बाहर उठे, मेरा ननद का जमाई है ना, वो उठाए हम लोगों को, जब उठिए भैया नहीं आ रहे हैं, आधा घंटा हो गया बाहर गए हैं, नहीं आ रहे हैं बाथरूम से। पहले से होते हैं ना, अभी नहीं आए? नहीं, अभी 2 दिन के लिए आए थे पूजा कराने के लिए, उन्होंने ही बुलाया था, दिवाली की पूजा एक साथ करेंगे। उनका नाम क्या है? हस्बैंड का नाम अजीत चौबे। घर का है उनका? सुनाई राम नगर, नूतन राम नगर। इधर क्या करते हैं? यहाँ तो पूजा करते हैं। फिर बिल्डिंग का? हाँ। आपका नाम क्या? रंजना चौबे। रंजना चौबे, उनका नाम? अजीत चौबे। उनका वाइफ है? अभी उनका शरीर में मिला आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस अभी नहीं, गर्दन में शायद दाग है ना क्या, वो तो नहीं देखा हमने, हमको तो ऐसे ही दिखाया गया। सुबह उठ के आप लोगों ने देखा है? हाँ, सुबह देखा। कितना बजे? 5 बजे। हाँ, और रात से नहीं मिल रहा है? 2 बजे के बाद? नहीं, 3 बजे के बाद, 3 बजे के बाद वो नहीं मिल। अच्छा, बॉडी में कुछ आपको क्या लगता है? इसलिए तो कोई दाग नहीं है, यहाँ से इतना दूर से गिरते हैं तो जरूर कुछ दाग होता, तो दाग तो नहीं। तो इधर कैसे आए? वही तो नहीं पता चला इधर कैसे गए, क्या हुआ। गेट का चाबी अगर अंदर था, घर के अंदर था, तो गेट खुला किस? वही तो नहीं पता चला है, गेट खुला है, दरवाजा भी खुला है, रूम का दरवाजा भी खुला था। गेट खुला रहे? हाँ, हम लोग उठे तो खुला था। मंदिरों का गेट खुला रहे? वही तो, मंदिर का ही गेट, वो तो खुला ही था, रोज हम बंद करके सोते हैं, ताला लगा कर सोते हैं। तो ये आपको क्या लगता है, ये कैसे आया इधर? वही क्या हुआ, कुछ आवाज भी नहीं आया, परेशानी की कुछ वजह मालूम हुआ?
पारिवारिक कुछ बात ही बहुत बोले, बहुत पूछे, नहीं बताए कुछ।